तो दोस्तों मेरे एरिया में जो सबसे फास्ट इंटरनेट चलता है वो है जियो का। अभी मेरे जो फ़ोन में जियो का इंटरनेट ऑन है, मोबाइल डाटा आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ये देखिए मोबाइल डाटा के नीचे लिखा हुआ है जियो 4G LTE। तो इसके डाटा के ऊपर हम लोग जो है स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे इससे ही, ये जो उखला के द्वारा मिला हुआ है। पहले मैं एयरटेल यूज़ करता था, अभी जियो पर पोर्ट कराया मैंने, और देखते हैं कितनी देर में ये 20 MB की फ़ाइल को डाउनलोड करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 400 KB की स्पीड आ रही है लगभग, और ये जो है अभी मैं इंडोर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इंडोर के अंदर इसका ऐसा नेटवर्क है, तो काबिले तारीफ है, एकदम बढ़िया नेटवर्क मिल जाता है। वाईफाई के अलावा अगर लाइट वगैरह नहीं रहती तो काम का रहता है। तो स्पीड टेस्ट ये देखेंगे हम, ये जब इंस्टॉल हो जाएगा एप्लीकेशन तब उसके अंदर देखेंगे कितनी MB की स्पीड आ रही है। तो अभी जो है ऐप इंस्टॉल हो रहा है, हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है, इसे ओपन करते हैं और सिंपली यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रन कर देंगे स्पीड टेस्ट। परमिशंस हमने इसको दे दी जो भी इसने मांगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस जियो का इसने नेटवर्क पकड़ा हुआ है और पावर ग्रिड न्यू दिल्ली की बात हो रही है दोस्तों। शुरुआत में ही आपको बता दूँ न्यू दिल्ली के अंदर हूँ मैं और अभी बदरपुर में हूँ, लोकेशन मैं टैग कर दूँगा। देख सकते हैं ये डाउनलोडिंग स्पीड है दोस्तों इसकी, अभी अपलोडिंग स्पीड भी देखेंगे इसके बाद। देख सकते हैं यहाँ पे 6 MB 5 MB, मतलब जो रियल स्पीड होती है वो 790 KB के करीब आ रही है। ये दोस्तों मेगा बिट्स होते हैं एक्चुअली, ये जो ज़्यादा 6-7 MB दिखा देते हैं। और अपलोडिंग स्पीड अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे तो अपलोडिंग स्पीड इसकी दोस्तों डाउनलोडिंग से कम है, और एयरटेल में ऐसा नहीं था, एयरटेल में ऐसा था कि डाउनलोडिंग से ज़्यादा फास्ट था उसका अपलोडिंग स्पीड। तो ये एक देखने वाली बात है, अगर आपको अपलोडिंग स्पीड बढ़िया चाहिए तो एयरटेल की तरफ जा सकते हैं। तो फिलहाल तो ये तो एरिया वाइज डिफ़र करता है कहाँ पे कैसा नेटवर्क है, हमारे यहाँ पे जियो बेस्ट चलता है हमारे इस एरिया में पर्टिकुलरली।